किसानों वालों बनाई गई पार्लीमेंट का अज दूसरा दिन है। सही तरीके दे नाल जिहड़ी अज किसानों वालों यह दावा किया जा रहा कि अज बहुत वधिया ढंग दे नाल संसद उन्हां वालों लगातार दूजे दिन चलाई जा रही है। सर दूजे दिन अज तां नहीं कोई दिक्कत परेशानी आई कोई पहुंचण च? देखो परेशानी जरूर आई आ, पर जिन्नी कल परेशानी आई सीगी उन्नी परेशानी नहीं आई कल, क्योंकि काफ़ी हरास किया गया सी। अज वो जिहड़ियां दिक्कतां सी असी कल एडमिनिस्ट्रेशन नूं दस दित्तियां सी, अज उन्हां ने काफ़ी हल हद तक उन्हां नूं दुरुस्त किया है। और कल भी इत्थे APMC जो लॉ है और पहला ये ऑर्डीनेंस दे रूप दे विच पेश कीता गया 5 जून 2020 नूं, और उस तो बाद इस नूं सितंबर दे महीने दे विच जिहड़ा पिछला सैशन होया सी पार्लीमेंट दा उहदे विच इहनूं लॉ बना दित्ता गया। कल भी ये डिस्कस होया और अज भी इहदे उत्ते बहस हो रही आ भी इह गैर विधानक आ, यह जिहड़ा साडा हिंदुस्तान दा संविधान आ उहदी घोर उलंघना दे विच बनाया गया, क्योंकि साडे देश दा संविधान बनाउण तों पहलां साढ़े देश के संविधान के निर्मातावां ने अंबेदकर की अगवाई दे विच जिहड़ा संविधान बनाया सीगा उदू पहला उन्होंने बरतानिया के कानून मतलब संविधान नू, USA के संविधान नू, आयरलैंड के संविधान नू, कनेडा के संविधान नू पढ़न तो बाद यह संविधान बनाया सी, जिदे विच 7th शड्यूल जिहड़ी है संविधान की उहदे विच बखरियां बखरियां लॉ बनाउण दे उत्ते शक्तियां वंडियां होईयां ने, और उहदे विच 97 आइटम्स ने जिन्हां दे उत्ते केंद्रीय सरकार ते केंद्रीय पार्लीमेंट लॉ बना सकदी आ, और 57 आइटम ने जिदे उत्ते राज सरकारां कानून बना सकदियां ने, और 47 आइटम ने जिहड़ियां कनकरंट लिस्ट च रखियां ने, और जिहड़ी एग्रीकल्चर आ खेतीबाड़ी दा विशा है यह आइटम नंबर 14 जो साडी राज सरकारां दे दायरे च आउंदी आ, आइटम नंबर 14 7th शड्यूल दे विच उहदे उत्ते राज सरकारां सूबियां दीआं सरकारां और सूबियां दीआं जिहड़ियां असैंबलियां ने सिर्फ वह कानून बना सकदियां ने, और जे मार्किट अते फेयर ते बनाउणा होवे तां आइटम नंबर 26 वह भी सूबियां नूं अधिकार दिंदा इहदे उत्ते कानून बनाउण दा। हुण करिए ते की करिए, फसल बीजणी है पैसे नहीं, करजे ते करजा। इस सरकार नूं वोट इस करके पाई सी, कहिंदे सी कि सारे करजे माफ करांगे, किसानी बचावांगे। मिलिया की 108 रुपये दा चेक। हुण गलती नहीं करनी, सबक सिखाउणा है। वोट पाउणी है उहनां नूं जिहड़े समझण साडे दर्दां नूं। तुसीं देख सकदे आ वी सारिआं च उत्साह आ, किसानां दी जिहड़ी साथ लगी आ अज उहदे लई असीं पंजाब तों 3 ते 3 अदर स्टेटां तों जिहड़े आ स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर नूं चुणे गए आ। उहदे विच हुण हरदेव हरशी जी ते नाल जगतार सिंह बाजवारी चला रहे आ, उस तों बाद दूजे राउंड दे विच जंगवीर सिंह चौहान जी, बीबी वेंकटविया जी तंगल लंगा तों इह बोलणगे, उस तों बाद मैं मुकेश चंद्र ते नाल मेरे नाल हरपाल बुलारी जी होणगे। किन्ने सैशन होणगे अज? 3 सैशन होणगे जी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਲੱਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕੂਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ।